ओह नो यार, ये रुका, ये पूरे फोर्स से झूल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर रहो तुम लोग, कसम से। ये कैसी अनोखी शादी रचाई श्रावस्ती में, आगे देखिए व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चटपटी न्यूज श्रावस्ती बिहार की। ये दोनों हैं पति पत्नी, लेकिन इनकी पत्नी जो कि व्हाइट पट्टी मथे में बांधी हुई है, उन्होंने अपनी ननंद से शादी के 11 साल के बाद शादी रचा ली है। नंद के साथ उनका बहुत प्रेम प्रसंग है। तो आजकल ऐसी न्यूज़ें दिखाई पड़ती है जो वायरल में चल रही हैं और सुन के दिमाग घूम जाता है। ये इनकी नंद है और घर वालों ने नंद को पीट के, मतलब माँ बाप ने अपने पास रख लिया है, तो ये रो रही हैं और अपनी पुकार लगा रही हैं कि इनकी जो पत्नी है, मतलब अब क्या बोलूं मैं, दोनों ही पत्नी है, दोनों ही लड़कियां हैं, उनको वापस किया जाए वरना ये सुसाइड कर लेंगी और इनके पति ने इनकी खुशी के लिए इनको छोड़ दिया। तो बस देखते हैं आगे आने वाली कड़ियों में भाभी को मिलता है ननंद का प्यार या फिर आने वाले दिनों में इनकी होती है हार। जानने के लिए आप बने रहे मेरे व्लॉग में मेरे प्यारे व्यूवर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेहर के जहाँ में आज आपका स्वागत है। और आज पता है व्लॉग शुरू करने में 3 बज गए शाम के, और क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा काम था, आज मैंने काफ़ी अदर काम भी निपटाया है। तो फिर मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 शरारे डिज़ाइन किए थे, तो वो मैंने बनवाए हैं साड़ी के भी। जो मेरे पास साड़ी थी और उसका यूज़ नहीं था, तो मैंने उससे पूरा लहंगा तैयार करवाया है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने ये तैयार करवाया है देने के लिए इंडिया में, मैं अपनी बहन की बेटियां हैं तो वो सब बड़ी हो चुकी हैं, तो उनकी फरमाइशें थी, तो मैं उन लोगों के लिए मैंने ये डिज़ाइन करे हैं, बनाए हैं, तो मैं आपको बस वही शो करती हूँ। ओके चलें फिर देखें। तो एक तो ये है, ये मैंने गरारे स्टाइल का जोड़ा बनवाया था, कलर कम्बिनेशन भी मेरा खुद का सिलेक्ट किया है। और ये मैंने साड़ी का बनवाया है, जो मैंने डिज़ाइन दुपट्टे को तो मैंने खुद तैयार किया है, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का है ये पूरा शरारा घरा, ये लहंगा है शायद पूरा बन के तैयार हुआ है ना, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और एक ये है इस कलर में, ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है, इस पर मैंने हल्की सी गोल्डन कुर्ती बनवाई है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो एक ये है, मैंने बहुत हैंग करने की कोशिश की पर हैंग नहीं हो पा रहा, इसमें इतनी लचक और इतना भार है ना कि ये गिर जा रहे हैं। आप देखें कितनी प्यारी इसकी गोल्डन कलर की कुर्ती है। अच्छा, कैमरे में जब आप कैच करें ना किसी भी चीज़ को, उसका कलर थोड़ा सा या तो अप होगा या डाउन होगा, तो ये कलर है ना मोर पंख का कलर नहीं हो तो वैसा कलर है, बहुत हसीन कलर आ रहा है, ये कितना खूबसूरत सा कलर है। और जो है ना, लेकिन इसमें हल्का ब्लू शर्ट भी दे रहा है। तो एक तो मैंने ये तैयार करवाया लहंगा, ये आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ये। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास रखी हुई थी एक साड़ी, तो मैंने इस काशी की एक डिज़ाइन देखी थी लहंगे की यहाँ, तो मैंने उसकी सेम डिज़ाइन इस साड़ी से बनवा दी। ये साड़ी थी नेट की, तो ये मैंने इसकी डिज़ाइन बनवा दी और नीचे मैंने ये अस्तर का कपड़ा लगवाया, जिससे उसमें ना इतनी जान आ गई, इतनी शाइनिंग आ गई। अब मैं पकड़वाना चाह रही हूँ इसे टांगना, लेकिन ये इतने भारी हैं कि नहीं किसी सूरत से टांग। और उस पर मैंने इस फैब्रिक्स में ये कुर्ती इस पर बनाई थी मैंने। ये देखें आप कितनी खूबसूरत इसकी नेट है, जैसे किसी जेवर की तरह, बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। ये पूरा डिज़ाइन इसका है, ये इसका दुपट्टा है, और इसके दुपट्टे पे देखे मैंने लेस ये लेके लगाई थी यहाँ से, बड़ी प्यारी मिल रही थी जैसे कुर्ती पे नहीं आगे डिज़ाइन, और ये मिरर वर्क की लेस लगाई थी, और ये इसके दुपट्टे में छन डाले थे मैंने, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। ये पूरा दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद, बहुत प्यारा दुपट्टा दिख रहा है। तो एक ड्रेस तो ये था, एक ये मैंने गरारे स्टाइल का बनाया है, पर जैसे मॉडर्न गरारे नहीं चले उस तरह से बनवाया था, तो ये कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने इस पर मैरून ये कुर्ती सिलवाई और उसके साथ ये दुपट्टा, ये मुझे बहुत प्यारा ड्रेस लगा, ये आपको भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा क्योंकि कलर इतना खूबसूरत है इसका। तो असल में शादी का हो सकता है फंक्शन पड़ जाए मेरे भाई की शादी वादी का मेरे जाने पे, तो इसीलिए ना मैंने उन लोगों के लिए भी ड्रेसेस बनवा लिए, खुद के लिए मैंने सारी बनवाई है, वो आ गई बनके तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आप, पूरा लुक इसका बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने एक ड्रेस ट्राई कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसा लग रहा है, तो अभी मैं फुल आपको व्यू इसका दिखाती हूँ। ये पूरा दूर तुम, तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने दुपट्टा डाला हुआ है इसका, मेरी रिंग लाइट मारा ने टेढ़ी कर दी, तो ये दुपट्टा मैंने डाल दिया है इसका। और नीचे का बिल्लू का आप देख सकते हैं, बच्चों को मैं कैमरा देती हूँ ना, तो ये लोग जो है सही से पकड़ नहीं पाते कैमरे को,
तो इसीलिए मुझे खुद से ही दिखाना पड़ता है। अच्छा तो मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए अपने, थोड़ा सा आप लोगों को ट्राई करके दिखाया था, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसे लगे। और आप देखें ना, हमारे घर की दूसरी मॉडल तैयार हुई है, मैं दिखाती हूँ, वो दुल्हन बन के खड़ी है, दुल्हन जीन्स में खड़ी हुई है। ये मायरा को छोड़ो, रुजैन मायरा को आने दो आगे, मायरा मेरी चप्पल मेरा दुपट्टा, सुपर, बहुत प्यारी मॉडल है भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये सीसीटीवी के मनाजिर आप देखे, घर से छोटे बच्चों को जो दुकानों पे भेज दिया जाता है, ये वो चले जाते हैं। मेरे सामने से भी कई बच्चे गुजरते हैं रोज के, इसी उम्र के, और इंतहा से ज्यादा कुत्ते हैं गली में भी। इधर उधर सीसीटीवी कैमरे में ये मनाजिर जो है कैच हुआ है। आप देखें, बच्चा कहाँ से अपने आप को बचा सकता है। एक बार बचपन में मेरे साथ भी ऐसे ही हादसा हुआ था, लेकिन मुझे वहाँ काफ़ी लोगों ने आके बचा लिया था। तो इस तरह अपने बच्चों को मत जाने दें, किस तरह से कुत्तों ने उस पर अटैक किया है और सब मिल के उसको काट रहे हैं, नोच रहे हैं, और कोई भी वहाँ नहीं आ पाया बचाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटीज़ की रोडें जो होती हैं बिल्कुल सन्नाटा होता है, उनमें लोग अपने घरों में होते हैं या घर से बाहर होते हैं। तो प्लीज़ जो है बच्चों की केयर करें, उन्हें अकेले घर से बाहर नहीं निकलने दिया करें, खुद अपने साथ लेकर जाएं बच्चों को। अच्छा जी, तो मैं निकल पड़ी हूँ अब बच्चों को लेकर और पार्क के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो स्ट्रीट लाइट ऑन है, इसमें मेरी शक्ल देखिए येलो येलो दिख रही है। तो बस मायरा भी आ जाए, वो जूते पहन रही थी, उसकी ज़्यादा नौटंकियाँ होती हैं, मैंने सोचा थोड़े से मेरी भी वॉक हो जाएगी, और मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है, ठंडी हवा होती है और इतना सुहाना सा मौसम होता है। एक शादी यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और एक पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है, और दोनों बहुत अच्छे। तो हम लोग पार्क में पहुंच चुके, पार्क में पानी दिया जा रहा है। लखनऊ, तो आप लोग देखें, मैं ना पाकिस्तान में भी लखनऊ में रह रही हूँ। लखनऊ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेलकम। कोऑपरेटिव सोसाइटी फैमिली पार्क सब है। तो हम लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी एक लखनऊ है, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह इंडिया में लखनऊ है, और यहाँ भी हैदराबाद है उसी तरह जैसे इंडिया में हैदराबाद है। और आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। खैर ये रात है और रात में भी आसमान दिख रहा है चाँद के साथ, वाह वाह। मैं बस इसीलिए आती हूँ, आप लोगों को पता है घर में बंद रहते रहते ना उलझ जाती है तबीयत, तो मैं शाम में निकल के ना पार्क आ जाती हूँ अक्सर रात में, मगरिब की नमाज के बाद ना चांद दिख रहे हैं और सितारे, सितारे कैसे दो बल्ब जैसे दिख रहे हैं प्रेजेंट कैमरे में, और बच्चे भी यहाँ इंजॉय कर लेते हैं, और पास में ही पार्क है सोसाइटी का, तो अच्छा इंजॉयमेंट भी हो जाता है और सुकून भी। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार बुखार सा, बदन में दर्द सा था मुझे, तो देखे मेरे चेहरे पे भी वैसे ही दिख रहा है ना, आँखें इतनी उतरा सा चेहरा दिख रहा है। और आज मैं इसीलिए बच्चों को अकेले कभी भी बाहर नहीं निकलने देती, उन्हें थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, उनके साथ खुद चली आती हूँ, लेकिन उनको अकेले नहीं आने देती, क्योंकि आपको सुबह मैंने दिखाया कि कैसे एक छोटे से बच्चे को कुत्ते ने काटा है, कैसे उसको काट के ख़त्म कर दिया, बच्चे को खा लिया बिल्कुल। ये देखें आप, ये रात है, रात में आसमान का नज़ारा कैसा लग रहा है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, आप देखिएगा, मुझे जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे ये पता है, ये सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है पीच कलर की, जो बिल्डिंग है ना उसमें बोलते हैं कि उसमें जिन रहते हैं, उस वो बिल्डिंग कभी किराए पर नहीं चढ़ती, और ना वहाँ पर बताते हैं कि एक बंदे ने घर लिया था तो वो वहाँ से मर गया था, घर से कूद के, तो वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, वो बिल्डिंग ऐसी खाली पड़ी रहती है, वहाँ कोई नहीं रहता। और इधर इधर साइड पे भी जैसा लगता है जंगल का नज़ारा है, बिल्कुल जंगल जंगल सा दिखता है, देखिए आप ये बहुत ज़्यादा, और बल्कि ये सोसाइटी का ही है, ये एरिया इतना घेर दिया है ना, इसमें कभी कोई भी नहीं आता सोसाइटी के इस एरिया में, ये पूरा जंगल सा बना हुआ है सोसाइटी में, ये बहुत हसीन खूबसूरत सा। और मुझे अच्छा इन पेड़ पौधों से बहुत मोहब्बत है, मेरा दिल इन्हीं में करता है, जबकि इधर आओ तो लोग टोकते हैं नहीं इधर की तरफ नहीं आए। चंदा रे कभी तो जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। अब
भी ना, अभी हम लोग बिल्कुल यहाँ झूले पे बैठे हुए हैं। आप हाफिज़।